हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, JEE मेंस 2020 अप्रैल सेशन के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो अप्रैल सेशन के लिए जो अप्लाई करने वाले JEE मेंस में, उनको सभी हर एक स्टूडेंट को ये डाउट है गाइस कि आप लोगों का जो अप्रैल सेशन है जो वो पोस्टपोन्ड होगा या नहीं। तो गाइस, इसके ऊपर आपको जो पूरा एक क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं JEE मेंस 2021 अप्रैल सेशन के बारे में और डिटेल में जानना। सो गाइस, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर दी है JEE मेंस की, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट में गैस यहाँ पे कोई भी आपको जो है अपडेट नहीं मिलेगा यहाँ पे पोस्टपोन को लेकर। अब गैस यहाँ पे इतना तो क्लियर होगा कि यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी जो है आप लोगों को जो है पोस्टपोन को लेकर कोई भी जो है बिल्कुल भी आपको यहाँ पे अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन गैस वही अगर देखा जाए आप लोगों को, मैं बता दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NDTV के एक आर्टिकल में गैस NDTV ने लिखा है कि एंटी टू रिलीज JEE मेन एडमिट कार्ड फॉर अप्रैल एग्जाम, यानी कि अप्रैल एग्जाम के लिए बहुत ही जल्द जो है एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है। उसी के साथ गैस यहाँ पे आप देखेंगे आप लोगों को एक patrika.com जो है वहाँ पे भी आप लोगों को दिखा देगा कि अप्रैल सेशन के लिए जो है GMAIN परीक्षा की एडमिट कार्ड कभी किसी भी वक्त हो सकती है जारी। अब गैस वही NDTV के एक और आर्टिकल में उसने लिखा है कि पोस्टपोन JEE मेन 2021 रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स आफ्टर CBSE क्लास 12 बोर्ड। अब गैस यहाँ पे मैं आपको लोगों को बता दूं कि हो क्या रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि CBSE का जो है गैस 10वीं का बोर्ड कैंसिल कर दिया गया और जो 12th का जो है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। उसी तरह से गैस आप लोगों का भी जो यहाँ पे JEE मेन का गैस जो है आप लोगों का एग्जाम 99% जो है यहाँ पे गैस पोस्टपोन किया जाएगा। अब गैस आप लोग कहेंगे कि सर आप ये किस तरह से कह सकते हैं, किस सोर्स किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। तो गैस मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों का NEET PG 2021 का भी जो है NEET PG का भी गैस आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया, लेकिन वो एकदम एंड मोमेंट पे किया। हालांकि NEET PG का एडमिट कार्ड भी डिक्लेयर रिलीज हो गया था, डाउनलोडिंग के लिए अवेलेबल हो गया था, और एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद एडमिट कार्ड अवेलेबल कराने के बावजूद एंड मोमेंट पे जो है NEET PG का एग्जाम जो है पोस्टपोन करा दिया गया। उसी तरह से गाइस आप लोगों की भी यहाँ पे जो है पोस्टपोन को लेकर जो ऑफिशियल न्यूज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन 23 अप्रैल को गाइस यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। ऑफिशियली जो 23 अप्रैल को आप लोगों को बताया जाएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जा रहा है। अब गाइस यहाँ पे आपका क्या सीनरी हो सकता है कि आप लोगों को गैस यहाँ पे जो है 23 अप्रैल यानी कि आप हो सकते हैं कि आप लोगों का एग्जाम 27th को, तो आप लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा देर हो जा रही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम भी समझते हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों का भी यहाँ पे जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाए और उसके बाद एंड मोमेंट पे अभी जो है NTA फिलहाल ऑब्जर्व कर रही है, फिर हो सकता है एंड मोमेंट पे यहाँ पे जो है आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आप लोगों का जो JEE मेन का जो एग्ज़ाम है उसे पोस्टपोन किया जाए। अब गैस अगर 23 अप्रैल को जो गैस यहाँ पे आप लोगों की जो नोटिफिकेशन आ जाए तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम ज़रूर पोस्टपोन होगा, और अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता तो आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। टिल देन मीनवाइल गाइस आपको क्या करना होगा, आप लोगों को फिर भी अपनी पढ़ाई जो है जारी रखनी है, क्योंकि अगर आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन होता भी है तो गाइस जो है आगे जो है कुछ देर बाद कुछ वक्त बाद कुछ टाइम बाद आप लोगों का एग्जाम फिर से कंडक्ट होने वाला, तो आपको जो अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी होगी। और इसी तरह से JEE मेन 2021 की छोटी से छोटी अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।